हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 हॉर्नबिल बुक से इंग्लिश का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अब तक नहीं देखा तो आई बटन में है या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हो। अब तक हमने पढ़ा स्टोरी में कि ऑथर और ग्रैंडमदर के रिलेशन के बारे में, जब वो लोग गांव में रहते थे। अब वो लोग शहर में शिफ्ट हो गए हैं और उनके रिलेशनशिप में थोड़ा बदलाव आ गया है। अब वो चेंजेस क्या है, उनके दोस्ती में कौन सा मोड़ आया है, उसको जानने के लिए दूसरा पार्ट देखना बहुत जरूरी है और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। चलो, हमने लास्ट पार्ट में दिस मेडर अनहैप्पी तो कंप्लीट कर दिया था, आगे पढ़ना है। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई रिलेशंस। वो मुझे, अब जब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा था तो वो मुझे, अब मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड। उनको बिल्कुल भरोसा नहीं था उन चीजों पर जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता था, और इसलिए वॉज डिस्ट्रेस्ड, मतलब वो परेशान हो जाया करती थी, दुखी हो जाया करती थी कि दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। कि स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भगवान को लेकर कोई पढ़ाई नहीं होती, धार्मिक किताबों के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती, इस बात पर वो दुखी हो जाया करती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसंस। एक दिन हम स्कूल से आके, ऑथर कहता है, एक दिन मैंने स्कूल से आके अनाउंस किया कि हमारे स्कूल में म्यूजिक की क्लास चलाई जा रही है, म्यूजिक लेसंस दिया जा रहा है। ठीक है, सी वॉज वेरी डिस्टर्ब। इस बात पर मेरी दादी माँ बहुत दुखी हो गई। टू हर म्यूजिक हैड अ ल्यूड एसोसिएशन। उनके लिए ना म्यूजिक का बहुत खराब संबंध था। किसके साथ? इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरलॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीड फॉर जेंटल फॉक। इस पर एकाधिकार था केवल वैश्याओं का और भिखारियों का, यह सज्जन व्यक्तियों के लिए नहीं था, ऐसा दादी माँ का मानना था। सी सेड नथिंग। और जब मैंने कहा कि मुझे म्यूजिक लेसन दी जा रही है स्कूल में, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। लेकिन उनके शांति का मतलब था वो नहीं चाहती कि मैं म्यूजिक सीखूं। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। और उसके बाद उन्होंने मुझसे शायद ही बात की, मतलब बहुत कम बात किया। ठीक है, When I went up to university, और जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया पढ़ने के लिए, I was given a room of my own, मुझे मेरा खुद का कमरा दे दिया गया कि चलो तुम अकेले रहो। और द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। और जो एक एकमात्र लिंक था ना हमारी दादी और हम में, जो दोस्ती का एकमात्र लिंक था, हमारा कमरा, वो भी अब अलग अलग हो गया था। दादी अलग रूम में और हम अलग रूम में। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विथ रिजिग्नेशन। और मेरी दादी माँ ने अपने अकेलेपन को बहुत शांति से एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और उसके बाद मेरी दादी माँ बहुत ही कम अपने चरखे को छोड़कर किसी से बात करने जाती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेके शाम तक, सी सैट बाय हर स्पिनिंग व्हील, वो अपने चरखे के पास बैठी रहती थी एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपने प्रार्थना को दोहराती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में, सी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोस, वो थोड़ा सा आराम करती थी ताकि वो चिड़ियों को खिला सके, वो गौरैयों को कुछ खाना खिला सके। ठीक है, व्हाइल सी सैट इन द वरांडा, और जब वो अपने वरांडा में बैठी रहती थी ना, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और रोटी को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ती रहती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड, सैकड़ों चिड़िया कलेक्ट हो जाती थी राउंड हर, मतलब उनके अगल बगल हंड्रेड्स, सैकड़ों चिड़िया आके बैठ जाती थी, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। क्या बना लेती थी पूरे जगह को, वेरिटेबल, एक सचमुच बेडलैम, मतलब पागल खाना बना लेती थी चहचहाट का। जब दादी माँ के अगल बगल सारी चिड़िया आके बैठ जाया करती थी ना, ऐसा लगता था कि सचमुच का पागल खाना है ये चिड़ियों का। Some came and perched on her legs, कुछ चिड़िया आके उनके पैरों पर बैठ जाया करती थी।
others on her shoulders, कुछ उनके कंधे पर आके बैठ जाया करती थी, some even sat on her head, और यहां तक कि कुछ चिड़िया उनके सर पे भी बैठ जाया करती थी, she smiled, वो हंस दिया करती थी, लेकिन कभी भी never sued them away, उन्होंने कभी उसे भगाया नहीं, कभी भी किसी चिड़िया को उन्होंने भगाया नहीं, it used to be the happiest hour of the day for her, उनके लिए ये आधा घंटा जब वो गौरैयों को खाना खिलाती थी पूरे दिन का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था, सबसे खुशनुमा भरा पल होता था, ठीक है। वेर आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, और जब मैंने मतलब कुशवंत सिंह ने जब फैसला किया कि वो अब विदेश जाएंगे पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मैं एक बात तो निश्चित था कि मेरी दादी माँ जरूर चिंतित हो जाएंगी, जरूर अपसेट हो जाएंगी ये बात सुनकर, I would be away for years, क्योंकि मैं 5 साल तक बाहर रहता, and at her age, क्योंकि उनके उम्र में one could never tell, कोई बता नहीं सकता ना कि अब वो कितना दिन जिंदा रहेंगी, क्या मैं उनसे दोबारा मिल पाऊंगा कि नहीं जब मैं 5 साल बाद लौटूंगा तो, but my grandmother could, लेकिन मेरी दादी माँ बता सकती थी कि मैं उनसे मिलूंगा कि नहीं। आगे देखो क्या होता है, she was not even sentimental, वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई, वो बिल्कुल भी इमोशन नहीं दिखाया, ठीक है। She came to leave me at the railway station. वो रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने भी आई, but did not talk or show any emotion. लेकिन उन्होंने ना मुझसे बात की, ना ही कोई feelings दिखाई कि बेटा क्यों जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो, ये सब कुछ नहीं कहा, बस छोड़ने आ गई वो रेलवे स्टेशन तक। Her lips moved in a prayer, और अब भी उनके होठ ना prayers गा रहे थे, मतलब प्रार्थना को दोहरा रहे थे। Her mind was lost in prayer. उनका दिमाग, उनका मन केवल प्रार्थना में खोया हुआ था। Her fingers were busy telling the beads of her rosary. उनकी उंगलियां बिजी थी माला जपने में। Silently she kissed my forehead. एकदम शांति से उन्होंने मेरे माथे को चूम लिया। And when I left, और जब मैं वहां से चला गया ना, I cherished the moist imprint. मैं अभी महसूस कर सकता था उनके गीले होठों को अपने माथे पर। और as perhaps, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद it was the last sign of physical contact between us, कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है, कुशवंत सिंह और दादी जी की आखिरी मुलाकात है, ऐसा ऑथर महसूस करने लगता है, ठीक है। But that was not so, लेकिन ऐसा नहीं था। When after 5 years, जब 5 सालों बाद मैं घर वापस लौटा, and was met by her, और जब मैंने अपनी दादी माँ को स्टेशन पर ही जब मैं उनसे मिला ना, she did not look a day older, वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी, she still had no time for words, उन्हें उनके पास अब भी आज भी बिल्कुल भी समय नहीं था कि वो मुझसे बात कर सके, and while she clasped me in her arms, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया, I could hear her reciting for prayers, मैं उन्हें अब भी सुन सकता था कि वो अब भी अपने प्रार्थना को ही दोहरा रही हैं, ठीक है। Even on the first day of my arrival, यहां तक कि आज ही मैं आया था, मेरा पहला दिन था घर आने का, फिर भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उनके जो पूरे दिन का सबसे खुशनुमा पल होता था ना, वॉज विद द स्पैरोज, वो उन चिड़ियों के साथ ही होता था जिन्हें अब वो थोड़ा लंबा थोड़े और देर तक वो खाना खिलाती थी, एंड विद फ्रिवोलस रिब्यूक्स। फ्रिवोलस रिब्यूक्स का मतलब होता है मजाक में डांटना। ऑथर कहता है कि आज ही मैं आया था, लेकिन अब भी आज भी उनका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था, जब वो चिड़ियों को खाना खिला रही थी और जब वो उन्हें प्यार से डांट रही थी कि नहीं तुम यहां मत बैठो, तुम वहां मत बैठो, ठीक है। आई थिंक ये पैसा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। In the evening, शाम में a change came over her. उनके रूटीन में थोड़ा बदलाव आ गया था. She did not pray. वो प्रार्थना नहीं करती थी. She collected the women of the neighborhood. वो आस पड़ोस की औरतों को collect कर लेती थी, इकट्ठा कर लेती थी. Got an old drum. और एक पुराना सा drum कहीं से उन्होंने ले लिया था. And started to sing. और उसे बजाती थी और गाती थी. ठीक है? For several hours. कुछ घंटों तक सी थम्ड, वो बजाती रही। क्या बजाती रही? द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिटेटेड ड्रम।
जो ढीला ढाला चमड़ा था ना उस ड्रम का, उस पुराने से ड्रम का, डिलापिटेटेड ड्रम का मतलब होता है पुराना ड्रम, और सैगिंग स्किन मतलब सिकुड़ा हुआ चमड़ा या ढीला ढाला जो चमड़ा होता है ना डमरू का या ढोल का, वो उसको बजाती रही एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। जो वीर योद्धाएं रहते हैं वो जब घर आते हैं उनके लिए जो गाना गाया जाता है वही मेरी दादी माँ गा रही थी और ड्रम को बजा रही थी। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हमें उनसे जाके बोलना पड़ा, उनसे कहना पड़ा कि थोड़ा ओवर स्ट्रेनिंग मत करिए, मतलब बहुत ज्यादा अपने ऊपर भार मत लीजिए, आप बीमार पड़ जाएंगी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला मौका था सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे। मैंने पहली बार उन्हें देखा था कि शाम में वो प्रेयर नहीं कर रही है बल्कि गा रही है और ड्रम को बजा रही है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई, सी वॉज टेकन इल एंड इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये हल्का फुल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने कहा कि ये बुखार चला जाएगा, जल्द ही चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ का सोचना कुछ अलग था। उनका क्या सोचना था? सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि उनका अंतिम समय आ गया है। ठीक है, सी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स Before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. उनका कहना था कि बस कुछ ही समय रह गए हैं मेरी जिंदगी का, आखिरी जो समय है वो आ चुका है, कुछ समय बाद में मर जाऊंगी और इसके पहले मैं प्रेयर को करना नहीं भूल सकती, मैं प्रेयर को ओमिट नहीं कर सकती, छोड़ नहीं सकती, इसलिए she was not going to waste any more time talking to us, इसलिए वो अब बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती हमसे बात करके, वो केवल प्रेयर करना चाहती हैं अब। We protested, हमने उन्हें रोकना चाहा, but she ignored our protest, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अनदेखा कर दिया, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि हम लोग उन्हें रोक भी रहे हैं। She lay peacefully, वो शांति से लेट गई in bed, बेड में, and praying and telling her beads, और अपने माला को जपने लगी, प्रार्थना को करने लगी, even before we could suspect, और यहां तक कि इसके पहले हम लोग suspect कर सकते, शंका भी कर सकते ना, उनके होठ चलना बंद हो गए, stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers, और जो माला था ना उनके बेजान उंगलियों से नीचे गिर चुका था। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक शांति सा पीलापन उनके चेहरे पर पूरा फैल गया था और हम तब तक जान चुके थे कि अब दादी मां नहीं रही, वो दुनिया से जा चुकी हैं। ठीक है, we lifted her off the bed, हमने उन्हें बेड से उठाया और जैसा कि As is customary, जैसा कि रीति रिवाज है, led her on the ground, हमने उन्हें जमीन पर लिटा दिया, and covered her with a red shroud, और उन्हें हम सबने लाल कलर के कफन से ढक दिया। After a few hours, कुछ घंटे के शोक जताने के बाद, मॉर्निंग का मतलब होता है शोक जताना, कुछ घंटे के शोक जताने के बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया टू मेक अरेंजमेंट, ताकि हम व्यवस्था कर सके फॉर हर फनरल, उनके अंतिम संस्कार का। इन द इवनिंग, शाम की बात है, वी वेंट टू हर रूम, हम लोग उनके रूम में गए, उनके कमरे में गए विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, एक लकड़ी का स्ट्रेचर, जानते हो डेड बॉडी को लिटाने के लिए जो लकड़ी का बनाया जाता है ना बैम्बू का, उसी को क्रूड स्ट्रेचर कहते हैं। तो ये कहता है कि इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, शाम में ये लोग इनके दादी माँ के रूम में गए, एक स्ट्रेचर लेके गए टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि वो लोग उसे लिटा के ले जा सके जलाने, उनका अंतिम संस्कार करने। द सन वॉज सेटिंग, सूरज डूब रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और सूरज की रोशनी ने उनके रूम को जगमगा दिया था, एकदम जगमग जगमग कर दिया था, एंड वरांदा, रूम को और वरांदा को विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, एक सुनहरे कलर के चमक से रूम और पूरा वरांदा भर गया था। ठीक है,
वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के आधे रास्ते पर ही जाके रुक गए, क्योंकि ऑल ओवर द वरांडा, पूरे वरांडा में एंड इन अ रूम, और उनके रूम में राइट अप टू वेयर सी ले डेड, जहां से उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जहां पर वो मृत मर के लेटी हुई थी ना, वहां से ठीक है, एंड स्टिफ रैप्ड, और जहां पर उनकी डेड बॉडी को ढककर कवर करके रखा गया था एक लाल कफन में, एक रेड श्राउड में, वहां पर क्या हो रहा था, थाउजेंड ऑफ स्पैरोस, हजारों गौरैया सैट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, बैठी हुई थी अगल बगल बिखर कर, ठीक है, जमीन पर हजारों चिड़िया बैठी हुई थी, देयर वॉज नो चिरपिंग, अब बिल्कुल भी चहचहाट नहीं हो रही थी, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बहुत दुख हुआ उन चिड़ियों को देखकर, ठीक है, एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और इसलिए मेरी माँ ने कुछ रोटी का टुकड़ा उनको खाने के लिए दे दिया, सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, मेरी माँ ने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, जैसे कि मेरी दादी माँ करती थी, एंड थ्रू इट टू देम, और रोटियों को खाने के लिए उनके पास फेंक दिया, द स्पैरोस टुक नो नोटिस, लेकिन उन चिड़ियों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उन रोटी के टुकड़ों पर, When we carried my grandmother's corpse off, और जब हमने अपनी दादी माँ की डेड बॉडी को लेकर, कॉर्प्स का मतलब डेड बॉडी को लेकर, जब हम बाहर चले गए, they flew away quietly, वो शांति से उड़ गई, next morning और अगली सुबह, the sweeper जो झाड़ू पोछा लगाने वाला था, उसने उस रोटी के टुकड़ों को, जो छोटे छोटे रोटी के टुकड़े उसके माँ ने फेंके थे, उसको साफ कर दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। So this is all about the first chapter, the portrait of a lady. I think आपको बहुत मजा आया होगा। अब question answer का session है। इसके लिए मैं आपको suggest करूंगा कि आप दोनों part देख के ही question answer session में part लीजिएगा। Thank you so much for watching our video. If you like the video, please hit the like button. Thank you so much. Jai.